अच्छा तो ये है हमारे पास जो है हमारे हार्ट का स्पेसिमेन। अब इस ये वाला जो स्पेसिमेन है ये मॉडल है, इसमें हम हार्ट के जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं वो वाले जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हार्ट के जो चैम्बर्स हैं, चार चैम्बर्स होते हैं। सबसे पहले होता है राइट एट्रियम। सो ये वाला जो है ये है बेसिकली हमारे पास राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के साथ ये जो हमें नज़र आ रहा है ये है राइट ओरिकल। सही है, जो इसकी ही आउटपोस्टिंग होती है राइट एट्रियम की आउटपोस्टिंग, ये राइट ओरिकल है और ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है, राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम के बिल्कुल नीचे ये वाला क्या है हमारे पास, राइट वेंट्रिकल है। सही है, राइट वेंट्रिकल ये इस तरह जो है वो आगे जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, तो ये जो है हमारे पास क्या होगा, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के साथ ये वाला जो पोर्शन है ये वाला हमारे पास क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। सही है, ये जो बड़ा पोर्शन है और ये हमारी एपेक्स भी जो है वो क्या बना रही है, बना रहा है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये वाला जो है ये हार्ट की क्या है, एपेक्स। सही, उसके बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर जो है वो हमारे पास होता है लेफ्ट एट्रियम। सही है, ये जो ये पीछे जो है हमारे पास ये जो वाला पोर्शन है ये वाला सारा, ये वाला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सारा है लेफ्ट एट्रियम। ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया और ये हमारे पास राइट एट्रियम जिसके साथ राइट ओरिकल। सही, उसके बाद आते हैं हमारे पास जो यहाँ से स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं या जो वेसल्स निकल रही हैं। अब ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से मेनली जो है वो आगे से निकलती है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी। सही है, ये है पल्मोनरी ट्रंक। सही है, पल्मोनरी ट्रंक जो है वो आगे जाके दो में डिवाइड हो जाएगी, पल्मोनरी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी। सही, ये हमारे पास होगी पल्मोनरी आर्टरी। सही है, उसके साथ ये जो है ये है हमारे पास एओर्टा। सही है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है और ऐसे ऊपर टर्न करके तो जाके ये पल्मोनरी ट्रंक के ऊपर से जो है वो ऐसे टर्न करता है। ये हमारे पास हो गया एओर्टा और ये हमारे पास होगी पल्मोनरी आर्टरी। सही है, अब पल्मोनरी आर्टरी के बाद ये जो है ये हमें पता है कि ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था राइट एट्रियम। सही, राइट एट्रियम के अंदर ये वाली जो ओपनिंग है, ये वाली जो ओपनिंग है ये है स्पीरियर वेना कैवा की। अब ये जो वेन्स जो होती हैं वो बेसिकली कोलैप्स्ड फॉर्म में होती है स्पेसिमेन में। ठीक है, अब ये वाली जो ओपनिंग हमें नज़र आ रही है ये वाली ओपनिंग है हमारे पास स्पीरियर वेना कैवा की और ये जो नीचे से ये ओपनिंग है ये वाली है इन्फीरियर वेना कैवा की। सही, ये जो नीचे से ओपनिंग है ये इन्फीरियर वेना कैवा की है और ये जो ऊपर से जो ओपनिंग हमें नज़र आ रही है ये क्या है, स्पीरियर वेना कैवा की है। ठीक है, उसके बाद ये जो पल्मोनरी ट्रंक है, ये पल्मोनरी ट्रंक पीछे जाके यहाँ से जब पीछे जाती है तो आगे जाके दो में डिवाइड हो जाती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। सही है, अब ये जो ये वाली जो आर्टरी है ना, ये वाली, ये यहाँ पर ये वाली और इस साइड से ये वाली। सही, ये जो है हमारे पास क्या है, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज है। सही, ये अब इसका इसकी पहचान क्या होगी कि पहली बात तो ये है कि ये जो है वो एओर्टा की कर्व के साथ होंगी और सेकेंडली ये है कि थोड़ी सी अपनी शेप इन्होंने मेंटेन की होगी क्योंकि आर्टरीज जो है वो अपनी शेप थोड़ी सी मेंटेन करती हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी ट्रंक है जो आगे जाके दो में डिवाइड हो गई है, ये वाली राइट पल्मोनरी आर्टरी है और ये वाली लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है। सही, उसके बाद ये वाला, अब ये यहाँ पर जो ओपनिंग्स हैं वो कन्फ्यूज़ करती है। ये वाली जो ओपनिंग है ये बेसिकली एओर्टा की ही ओपनिंग है। इस चीज़ को कैसे चेक करते हैं कि इसमें अगर हम लोग फिंगर डाल के देखें तो ये बेसिकली ये एओर्टा की ही ओपनिंग है, ये एओर्टा ही है जो आगे से यहाँ पर कटा हुआ है। अब ये जो ऊपर ये वाली नज़र आ रही है ये है राइट ब्रेकियोस्फेलिक आर्टरी। सही, ये है लेफ्ट कॉमन कैरेटरी आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन यहाँ पर कटी हुई है। सही, मतलब यहाँ पर हमें जो नज़र आ रहा है एओर्टा, एओर्टा के बाद ऊपर इसकी राइट ब्रेकियोस्फेलिक आर्टरी और उसके बाद लेफ्ट कॉमन कैरेटरी आर्टरी। सही है, ये हमारे पास एओर्टा की ओपनिंग, ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग और ये पीछे जो रिजिड शेप स्ट्रक्चर है ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर आके ट्रैकिया की बाइफरकेशन हो रही है, जो ट्रैकिया आगे जाके दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है ये हमें यहाँ पर वो नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास हो गया। उसके बाद ये जो है ये ट्रैकिया की बाइफरकेशन की ही नीचे ओपनिंग है, जो ट्रैकिया बाइफरकेट होकर ये नीचे को आ रहा है, इसके ऊपर ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये जो राइट एट्रियम में ये जो ओपनिंग नज़र आ रही है जो कोलैप्स फॉर्म में है, ये वाली यहाँ से दो इधर और दो इधर। ठीक है, ये हमारे पास है पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग। सही, ये हमारे पास है पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग। ठीक है, एक दफ़ा ओवर व्यू है और उसके अलावा ये भी है कि ये जो राइट वेंट्रिकुलर लेफ्ट वेंट्रिकुलर के दरमियान में ये है इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस। सही है, जहाँ पर जो है वो हमारे पास एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और ग्रेट कार्डिक वेन जो है वो रन कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में ये है क्रोनरी सर्कस, जहाँ पर राइट क्रोनरी आर्टरी जो है वो रन कर रही होती है। सही, और इसी तरह पोस्टीरियर साइड पर ये देखें, ये है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस, जहाँ पर जो है वो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी रन कर रही होती है विद मिडिल कार्डियक वेन। सही, ये हमारे पास जो है वो इसका है, एक दफ़ा सारा ओवरव्यू है एक दफ़ा, कि ये राइट एट्रियम,
राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस, लेफ्ट एट्रियम, एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, और उसके बाद जो ओपनिंग्स हैं उनमें ये ऊपर से ये वाली मेजर ओपनिंग एओर्टा की, एओर्टा के ऊपर ये राइट ब्रेकियोस्फेलिक आर्टरी, ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी ही है बेसिकली जो पल्मोनरी ट्रंक आगे राइट और लेफ्ट में डिवाइड हुई हुई है, ये ट्रैकिया की बाइफरकेशन है और ये भी ट्रैकिया की बाइफरकेशन ही है, ठीक है। और उसके बाद ये जो नीचे ओपनिंग्स हमें चार नज़र आ रही हैं ये हमारे पास क्या है, पल्मोनरी वेंस की, और यहाँ पर ये वाली जो राइट एट्रियम के ऊपर ये कोलैप्स फॉर्म में जो होती हैं ये वाली सुपीरियर वेना कैवा की है और ये वाली इन्फीरियर वेना कैवा की, ये इसके सारे एक्सटर्नल फीचर हैं। लेफ्ट एट्रियम दोबारा बताइए, लेफ्ट एट्रियम ये जो पोस्टीरियर साइड पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसमें पल्मोनरी वेन जो है वो ड्रेन हो रही है वो बेसिकली क्या है, ये लेफ्ट एट्रियम, ये वाला सारा जो है वो क्या है, लेफ्ट एट्रियम है, सही।